अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज स्टार के दोस्तों, दमिश्क के एक अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामे तौबा के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशाओ मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नॉलेज स्टार के दोस्तों, एक तालिबे इल्म जो कि बहुत ज़रा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही खाना ख़रीदने के लिए कोई पैसा उसके पास था। 3रे रोज़ भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इज़्तिरारी हालत में हूँ और शरयन मुझ पर मुर्दार या चोरी जायज़ है। इसी बना पर उसने चोरी का रास्ता इख्तियार किया। यह मस्जिद एक कदीम मोहल्ला में वाक़ है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। यह जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ला के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू इसके दिमाग में पहुँची तो इसको अपनी तरफ खींच लिया। यह मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सेहन में कूद गया। फौरन बावर्ची खाने में पहुँचा, देगची का ढक्कन उठाया तो इसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की परवाह ना की, बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूँ और चोरी करूँ? अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पेशेमा हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दरस में हाजिर हुआ। दरहाले के भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दरस दे रहे हैं। जब शेख दरस से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। उस ज़माने में ख़वातीन का बग़ैर हिजाब के वजूद ही नहीं था। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिबे इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ़ में निगाह की तो इस तालिबे इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, यह खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफात पा गया है और इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ही अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शोहर से घर और मालो दौलत वरासत में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरीयन इसका शोहर हो और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? इसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और दगवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और इस तालिबे इल्म के बजाय ख़ुद इस खातून का महर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न व जमाल से मभूत हो गया और जब उस घर की तरफ मतवज्जा हुआ तो देखा ये वही घर था जिसमें वो चोरी के लिए दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? उसने कहा, हाँ।
इसने देचकी का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब बात है, घर में शायद कोई आया था और उसने बैंगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा इसको सुना दिया। रोजा ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी और तकवा का नतीजा है कि तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। सुभान अल्लाह, बेशक जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा अख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबले में बेहतरीन चीज़ इसको अता करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।